अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। वो दिन दूर नहीं है जब तुलसी की वजह से अजीत जी और उनके परिवार अपने ही बाल नोचेंगे, तब उनका फोन आएगा ना, तब मैं उनसे बात करूंगा। ये आप लोग क्या करने वाले हो? हल्दी लगाने वाले हैं। छी, माँ मुझे हल्दी नहीं लगानी, सब गंदा गंदा हो जाएगा। अरे ऐसे मत चढ़ाइए देवर जी, ये सगुन की हल्दी है, इसका रंग तभी उतरेगा जब नई दुल्हन आके अपने हाथों से नहलाएगी। माँ ये हल्दी मिर्च के चक्कर में जो असली काम है ना वो छूटा जा रहा है, वहां पंडित जी मंदिर पे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। बस हो गया बेटा। देखो लीची गोलू कितनी सारी गुड़िया है मेरी। बुआ आप शादी के बाद चली जाओगी, फिर ये गुड़िया हमको दे दो ना। नहीं, मैं अपनी सारी गुड़िया अपने साथ लेके जाऊंगी शादी के घर। दीदी हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, तुम लोग अपना अपना सामान ले लेना, लेकिन देखो मेरे बक्से में जगह नहीं है। हाँ? अरे वो दोनों वहाँ जाके क्या करेंगे, वो अपने ससुराल जा रही है मेला घूमने नहीं। और तुम भी याद रखो जो धमाल यहाँ करती थी ना वहाँ मत करना, समझी? चुप रहो अपना काम करो। हाँ मैं कर रही हूँ अपना काम, और सुन लो तुम दोनों भी, अपनी तुलसी दीदी की मोह माया छोड़ो, अब वो पराई हो चुकी है, ये गांव अब उसका नहीं रहा, ससुराली इसका गांव है अब। हाँ क्या कर रही हूँ, हमें कर रही हो, चुप करो तुम। नहीं बुधनी काकी, दोनों मेरे गांव है, ऐसा माँ ने बोला। अच्छा ऐसा माँ ने बोला है, अरे वो तेरे बाबू जी का घर नहीं है, तेरे ससुर जी का घर है, और वहाँ प्यार करने वाली माँ नहीं ताने देने वाली सास मिलेगी, समझी? ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है शादी करना। हाँ बुधनी के खेत से मूली चुराना, टमाटर चुराना, अमरूद चुराना, ये सब बंद होना चाहिए। बस ससुराल में जाकर तुम्हें सेवा करनी होगी, अपनी सासू की, अपनी जेठानी की, उनके पैर दबवाने होंगे, समझी? हाँ बुधनी का की बस अब सब साफ हो गया, आप जाओ। तुम जाकर नहा लो जाओ, और सुनो हमें भूलना नहीं है, ठीक है? नहीं भूलूंगी। ये भगवान, ये बच्चे हैं क्या? शैतान, अबे बता दूँ। मीनू कैसा लग रहा है? अरे ये लो, अरे आप लोग अभी तक यहाँ खड़े हुए हैं? अरे बारात पहुंचने में रात हो जाएगी, अजीत जल्दी करो। बस भैया सब कुछ हो चुका है। अच्छा भैया वो बैंड बाजा वाले गाड़ी की बात कर रहे हैं। अरे उनसे कहो कि दूसरी बस पूरी खाली पड़ी है भाई, उसमें जाके बैठ जाए। ठीक है भाई जल्दी करो। ठीक है भैया, वो मेरे दोस्तों के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया आपने? हाँ हाँ सब इंतजाम हो गया है, और तुम्हारे सारे दोस्त उसमें बैठ भी चुके हैं, बस अब चलो। साड़ियां दे रहे हैं तुलसी को हम लोग। अरे बाप रे इतनी साड़ियां। अरे हम तो 50 साड़ी रखना चाहते थे तुलसी की पेटी में, लेकिन तुलसी के बाबूजी ने और शेखर ने मना कर दिया। अरे माँ जी आजकल कोई 15-20 साड़ी से ज्यादा नहीं देता, और आप 50 साड़ी देने की बात कर रही हैं? अरे बहू ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई कितना भी दे, और फिर एक माँ अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा देना चाहती है ना। अरे भाई सिर्फ साड़ी और कपड़ा देने से हो जाता है का? कि बाकी के भी खर्चे चाहिए होते हैं, कि सारा पैसा साड़ी और कपड़ा में थोड़ी ना बर्बाद करना चाहिए। ये भी ठीक है, लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ तुलसी को देने की कहाँ जरूरत है? अरे उसे तो पहनना भी नहीं आता है, सारी की सारी साड़ियाँ धरी के धरी रह जाएगी, देख लेना। अरे लक्ष्मी बिटिया ने सिखा दिया ना साड़ी कैसे पहनते हैं।
अरे दीदी, अपने तरफ से तो इतना कुछ दे रही हैं आप, जरा ये पता किया कि लड़के वाले कुछ लेके आ रहे हैं उसके लिए या खाली हाथ लड़की को लेके जाने वाले हैं? अरे शोभा, ऐसे कोई खाली हाथ थोड़ी ना आता है, और लड़की का चढ़ावा तो लड़के वाले ही देते हैं, वो अपने मुताबिक कुछ ना कुछ तो लेके आ ही रहे हैं ना। और नहीं तो क्या, चढ़ावे की जेवर तो पहले ही आ चुके हैं। मैं दिखाती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं क्या, देखो कितना सुंदर है ना। अरे वाह माँ, मुझे भी दिखाओ ना। अरे बाप रे, बड़े दिल वाले हैं तुलसी के ससुराल वाले। हमारी बेटी कितनी सुंदर लगेगी ना, मैं देखो। अरे बाप रे, गांव में आज तक किसी भी लड़की को इतने भारी जेवर नहीं चढ़े होंगे। अरे तो नहीं चढ़ा तो क्या हुआ, देखना हमरी नैना की शादी में। अरे कल का कौन जानता है, होगा ना होगा। और फिर लक्ष्मी तो अभी तक की बात कर रही है। माँ। हाँ बेटा। अरे बारात आने वाली है, पंडित जी द्वार पूजा के लिए सामग्री मांग रहे हैं। कहाँ है सामग्री? अरे वही रसोई घर में रखा है, ले लो। ले लो, अरे दो ना। और ये सब क्या बिखेर के बैठे हो, सब इकट्ठा करो, बारात आने वाली है, आप लोग जेवर और साड़ी देख रहे हो, चलो ना माँ। जरा चलो बेटा। लक्ष्मी, वो ब्यूटी पार्लर वाली को फोन लगा, तुलसी को तैयार भी तो करना है। हाँ भाभी, अभी करती हूँ। बुआ 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 बुआ, भारत आ गई है, सब लोग नाच रहे और बाजा भी बज रहा है। नाती भी आया है, तुम दोनों ने देखा उसको? दीदी इतनी सारी गाड़ियाँ कि पूछो ही मत, साथी तो दिखे ही नहीं, बैठे होंगे किसी गाड़ी में। एक तो साथी फोन भी नहीं कर रहे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? तो आप ही फोन कर लो ना। अरे लीची, इसमें तो पैसे ही नहीं है, कैसे फोन करूं? हमेशा साथी ही फोन करता है, तभी बात हो पाती है। साथी को भरवाना चाहिए था पैसे फोन में। और नहीं तो क्या, मुझे बारात वालों को देखना है नाचते हुए कैसे लगते है, मजा आ रहा होगा ना। और साथी को भी तो देखना है, वो दूल्हा बने कैसे लग रहा है। दीदी तो चलो हमारे साथ, देखते हैं साथी को। हाँ। अरे पर मैं नहीं आ सकती, माँ और लक्ष्मी दीदी ने बोला है कि इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तो आप भी आ रहे हो, हम लोग जाते हैं। नहीं मुझे भी देखना है, पर मैं जाऊं कैसे? बुआ हमारे पीछे पीछे छुप छुप के निकल चलो, कोई नहीं देखेगा। हाँ ऐसा करती हूँ। बुआ चलो। पार्लर वाले को फोन कर देना और उसे कहना कि जल्दी से आ जाए, तुलसी को तैयार करनी है। तुलसी तू यहाँ क्या कर रही है? माँ वो हम बैंड बजा देखने जा रहे हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? अरे दादी बुआ को हमारे साथ आने दो ना। चलो भागो तुम लोग यहाँ से, बुआ की शादी होने वाली है और ये तुम लोगों के साथ बारात देखने जाएगी। माँ थोड़ी देर जाने दो ना, हम अभी वापस आ जाएंगे। कैसी बात कर रही हो तुलसी, तुम अपनी शादी का बाजा देखोगी? बच्चों जैसी बातें मत करो, चलो अंदर, लोग देखेंगे तो हंसेंगे तुम पे। बेटा तुझे मंडप में बैठना है ना, अभी तैयार नहीं होगी तो देर हो जाएगी। माँ थोड़ी देर जाने दो ना, हम अभी वापस आ जाएंगे देख के। लक्ष्मी बेटी समझाओ ना इसे। तुलसी तुम्हें दुल्हन बनना है या नहीं? हाँ बनना है। तो अंदर चलो, तुम्हें मेकअप भी तो करना है। ठीक है लीची गोलू, तुम लोग जाओ, मुझे दुल्हन बनना है। क्या बात है वो हाकिम बाबू और विनय बाबू नजर नहीं आ रहे? बस बस ये आ ही रहे। मीनू बेटा चाची से मिलना है ना? हाँ। जाओ मिलो। वो रे चाची। अरे आओ आओ मिनी बैठो।
अरे भाभी कौन है? अरे ये मीनू है, इससे तो तुम्हारी बात होती रहती है। अरे मीनू तुम कैसे आई? गाड़ी से। कौन कौन आया तुम्हारे साथ? मैं छोटे चाचे के साथ आई। हाँ कहाँ बैठे वो? वो जहाँ सभी लोग है ना वहाँ पर। अरे तुम अपने खिलौने लाई कि नहीं? मैंने तुम्हें फोन पे बोला था। नहीं। अरे तुलसी क्या कर रही हो? ऐसा नहीं करते। अरे पर लक्ष्मी दीदी मुझे भूख लगी है। तुलसी अभी तुम्हें नहीं खाना चाहिए। अरे लक्ष्मी दीदी ऐसे कैसे, मेरी शादी में मैं ही नहीं खा सकती। सिंदूर पड़ जाएगा तब खाना। पर भाभी मुझे भूख लगी है। तुलसी जिद मत करो चलो। क्या हो मीनू, हंस क्यों रही हो? चाची बच्चे की तरह कर रही है। लीजिए बेटा जाओ, मीनू को अपने कमरे में लेके जाओ, खिलौने दिखाओ जाओ। हाँ। तुलसी तुम ठीक से बैठो, देखो तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है। कांताते पुरुषोत्तम भणपते शय्यासन वाहन वेदात्मा विहगेश्वर यवनिका माया तुलसी को। हाँ पर तुलसी की तरह ही कुछ करता थोड़ी ना। बेटा आप अपना हाथ ऊपर लाइए। लक्ष्मी रूपाम कन्या धातु महाबुद्ध वर के बगल में बैठेगी। मंगलम कौशलेंद्राया महानीय गुणाधे। माँ लड़का पढ़ा लिखा तो है ना? हाँ पढ़ा लिखा है पर तुमरी जितना थोड़ी है। अरे तुमरी जितना पढ़ा लिखा होता तो कमाता नहीं का? शोभा जी कमाने की क्या जरूरत है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास। अरे चाबी, अरे भंडार की चाबी दो ना, बाराती आ गए, मिठाइयां निकालनी है। और ये क्या कर रही हो तुम? अरे इसमें से दो साड़ियां निकाल रही हूँ। लेकिन ये साड़ियां तो तुलसी की हैं। तो क्या हुआ, तुलसी को कौन से महंगी साड़ियों की कदर है? अरे लेकिन ये सारी साड़ियां हैं तो तुलसी की ना। अरे वहां से भी तो इतनी सारी साड़ियां आई हैं। अरे लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को नहीं पता चलेगा, अब कोई नहीं गिनने वाला, माँ जी भी नहीं गिनने वाली। वैसे भी ये साड़ियां तो हम दे रहे हैं, 40 की बजाय 38 जाए किसी को नहीं पता चलेगा। तुम्हें पता है सारी साड़ियाँ गिनकर आई हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो
तो वो प्रजा की दो साड़ियाँ मैं इसमें मिला जनमनि जनमनि फल अर्पण कर दीजिए समस्त देवताभ्यो नमः तुतु फलम समर्पयामि नमस्कारोमि ओम। सबसे पहले कन्या पहनाएगी नमस्कार कर लो बेटा फिर आगे बढ़ो जाने कान जपा आगे बढ़िए पुनः जाने कान जपा पानी जन जन्मांतर नमस्कार कर लीजिए अब जो है वर आगे आएगा आप आगे जाइए ओम जे तीर्थानि प्रजरन्ति श्रीकास्तानि गंगिना देख लीजिए तुलसी को जी भर के कल से इस घर को सुना करके दूसरे घर की रौनक बन जाएगी वो क्या कहूं कितना भी देखूं जी ही नहीं भर रहा मेरी बच्ची बहुत प्यारी है कल वो अपने घर चली जाएगी तो पता नहीं मेरे बिना कैसे रह पाएगी वो अभी तक तो उसका बचपना भी नहीं गया चिंता मत करो चाची सब ठीक हो जाएगा ले लीजिए कन्या के मांग में सिंदूर दान कीजिए ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम च हमारी तुलसी कितनी सुंदर लग रही है ना हाँ कल हमारी ये बिटिया पराई हो जाएगी ससुराल जा रही है अपना वहां ध्यान रखना हाँ वहां तेरी मां नहीं होगी माँ रोइए मत ना मैं जल्दी वापस आऊंगी साथी देखो ना माँ तो चुप ही नहीं हो रही है तुम बोलो ना माँ से कि तुम मुझे यहाँ लेके आओगे हाँ हाँ क्यों नहीं लेकर आऊंगा जरूर लेकर आऊंगा बेटा मेरी इस गुड़िया का ख्याल रखना माँ जी आप चिंता मत कीजिए मुहूर्त निकला जा रहा है हाँ।
बाबूजी देखिए ना माँ कितना रो रही है, हम तो वापस आएंगे ना, आप माँ से कहिए ना कि ना रोए। क्यों नहीं आएगी बेटा, मैं आऊंगा तुझे लेने। फिर माँ को समझाइए ना, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। खुशी खुशी जाते हैं, चलें। खुश रहो बेटा, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। बाबूजी आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं तुलसी को हमेशा खुश रखूंगा। चलिए। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शेखर भैया ये लोग दोनों भी मेरे साथ आएंगे ना? हम भी बुआ के साथ जा रहे हैं। हाँ। बेटा बाद में जाना, अभी बाहर निकलो, चलो आओ। नहीं हम भी बुआ के साथ जाएंगे। अरे लगाऊं एक चपत, चलो बाहर आओ। शेखर भैया साथी ने बोला था कि ये दोनों मेरे साथ आ सकते हैं। हाँ दो तीन बाद जब भैया जाएंगे ना तुमसे मिलने, इन दोनों को हम भेज देंगे। अरे तुम लोग अभी तक बैठे नहीं, अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। आओ बेटा आओ। आइए आइए विनय जी।